शारदीय दुर्गा पूजार शुभेच्छा सह मध्यान खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथम हेडलाइंस। राजधानी में मनीष अनुराग मृत्यु मामला फुलवाणी टाउन थाना दिनेश और मृत्युजय आत्मसमर्पण उभय मृत्यु पूर्व मनीष का सह होटेल थे आज भुवनेश्वर आनी कर पचराउचरा। केन्दुझर सदर विधायक मोहन माझी गाड़ी को बोमामाड़ घटना तीन दिन पर भी दुर्वृत्तों टेर पाउनी पुलिस तरबरिया भाव जारी है सीसीटीवी फुटेज खबर देले पुरस्कार देवा घोषणा कले एसपी। प्रश्न पचारे उत्तर नुहे क्यमेरा बंद करने को कहते विधायिका चर्चार चंपुआ विधायिका श्रीमती मीनाक्षी महांत शिक्षक ना और ब्रिज कथा पचार रागुंट भाइराल होधायिका भिड। पुरी पुलिस ऑपरेशन ब्राउन सुगर एसटीएफ कब्जे ब्राउन सुगर बेपारी पांच जन धलाचहर बेपारी को गिरफ्त कला पुरी बलियापंटा थाना पुलिस 250 ग्राम ब्राउन सुगर जबत बहु एटीएम कार्ड सह गाड़ी एवं टंका जबत। पीठे नवमी मंडप अष्टमी कोविड कटकणारे चली पूजार्चना आज आरती चंडी होम सहित संध्यार हेब मांग संधि पूजा। कलाहांडीर आराध्य देवी मां माणिकेश्वरी छतर यात्रा सका 8:43 मंदिर में प्रवेश कले मां प्रतीक कटकणा भितर शेष होगा पारंपरिक रीतिनीति अपराह 4 जाए सहर से 144 धारा जारी एवं घनीभूत हो उत्तर आंडमान सगर में सृष्टि घूर्णवलय 48 घंटे नेपाल लघुचाप रूप 15 में उपकूल छुईवा संभावना 19 जिले में प्रबल वर्षा आशंका सेपटे राज्य धीरे धीरे प्रत्यावर्तन करुछि मौसुमी। शारदीय दुर्गा पूजा पाई उत्सव मुखर पूरा पल्ली चली मां नवदिनात्मक पूजा पीठे महानवमी आ मंडपर महामाई महाअष्टमी पूजा चली धरावतरण करिछंती मां कटकणारे चली मां पूजार्चना नाही शौच तोरण किंवा आखि झलसिला परी आलुअमाला केवल विधि अनुसार चली मां आराधना आज मंडपर मां महाअष्टमी पीठरे नवमी पूजा आज अष्टमी में व्रत पूजा करंपरा रही महिला मैंने मंडपर दुर्गाष्टमी व्रत पूजा कर धारण करेंगे एवं अन्य पक्ष राज्य विभिन्न शक्तिपीठ से षोडश उपचार पूजा होगी। मां कटक चंडी गड़ चंडी सहित अन्य शक्तिपीठ से नवमी पूजा आम आपको विभिन्न स्थान पूजार माहौल देखाऊे और किभ पूजार्चना चली चित्र आम आपको देखाऊ वर्तमान बारीपदा और कटक्र चित्र देखा बारीपदार अच्छा रिपोर्टर रंजन दास अच्छा कटक्र कविता स्वयं आम रिपोर्टर अच्छा प्रथम रंजन आपंक निकट को जवाक चाहिए गाँ गहल पूजार माहौल किसी भिन्न थाए बारीपदार किभली माहौल देखुं किभली चली पूजार्चना देखंतु माधुरी जो दुर्गा पूजा कह जाए ये गोटे वर्षकर गोटे पार्वण ऋतु आरंभ होता है तबे बहुत कहुए जमीक श्रद्धालु मन में आवेग रही था जो पार्वण समय जिते माँ दुर्गा जो धरावतरण करता से समय अनेक लोक चाह बसता किभली भाव में माँ पूजार्चना करेंगे और माँ किभली भाव में सानिध्य लाभ करेंगे ये समस्त विषय नहीं कि लोक मैंने गोटे बहुत दिन धरिक गोटे आशा रखि था तेब चलित बर्ष जो करोना अच्छी आरोना कटक समय कहवाक गले लोक मैंने निराशा होती लोक मान जो आशा रही से आशा एक प्रकार मौली जाए कौन हम जहाँ भी हो पूजा जो पीठ रही जो मंडप गुड़िक रही मंडप गुड़िक जमीक कहुपे जमी धरा जमी ठाकुर पूजार्चना हवा कथा जो भाव में माँ दुर्गा पूजार्चना हवा कथा समस्त दुर्गा पूजा रीतनीति अनुसार चली भाव में आम कहीपर कि भाव में पूजार्चना चलती आम सीधासल जो पंडित अच्छा जो पूजा कर मधुबन पूजा कमिटी आम आँचीचु मधुबन पूजा कमिटी किभली भाव में पूजार्चना चलती आम तुम्हें सीधासल आम प्रतिक्रिया रखू आज्ञा किभली भाव में पूजार्चना चलती कोरोना कटक वर्तमान तो निश्चित भाव में कहुई पड़े श्रद्धा भक्तों यठार दर्शन ना कि भाव में पूजार्चना चलती सूचना जन आम गत पर दिन बिल अधिवास है दिन तीन टू छा पर्यत आम बहुत
कटकणा सत्वे भलरंग पूजा हो समस्त सब जजमान सब सेवा साम हो गत काली आमर महासप्तमी रे घट उत्तोलन है बड़ंग आम बारिणेश्वर जो भी हुए मध्यस्थल से घट आम गलु आठटा बेले आसलु साढ़े दसटा बेल पहुँचलु पहुँचला पर आम माँ चक्षुदान है प्राणप्रतिष्ठा है स्नान है षोड़श उपचार पूजा है गला आज हूँ महाअष्टमी आम माँ महाअष्टमी पूजा सका सतटा आरंभ हो वर्तमान सुधा पूजा चलती आ बहुत कटकणा मध्य आमर कोविड कटकणा मध्य व्रती मैंने विशेष भी आसी ना आंतु आम पूजा नीति नियम कमिटी मध्यम पूजा बर्तमान सुधा चलती अष्टमी पूजा केत सर तापर संधि पूजा रही नवमी संधि पूजा ये समस्त विषय आमर महाअष्टमी पूजा बर्तमान चली महाअष्टमी सरवापूरला होम चलती होम बर्तमान भी सर तापर आम उपचार पूजा हबो उपचार पूजा आरती हबो पुष्पांजलि हबो तापर बर्तमान बंद रहिबो तापर संध्या बेले संध्या सतटा सड़चाश रु आठटा एगार पर्यंत आमर संधि पूजा हबो से भितरे बलिदान अच्छी पुष्पांजलि अच्छी विश्राम अच्छी निश्चित पक्षे माधुरी देखो आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखा जो अच्छी जो बारुणी दुर्गा पूजा मंडप अच्छी आम बारुणी जो दुर्गा पूजा मंडप जो कार्यकर्ता अच्छा आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया रखा आज्ञा चलित बर्ष दुर्गा पूजा को कह भक्त बंद कराई कि भाव में आप मानुंट कि भाव में कटका जुक्त कर प्रथम तो कह बारुणेश्वर दुर्गा पूजा कमिटी मुझे संपादक आम ये कोविड गाइडलाइन अनुसार 2020 भी 21 भी आम पूरा कोविड गाइडलाइन अनुसार पालन करछु आर वर्ष भी जमी कटकणा था एथर टिके कोहल हेलार को जना पड़ुछे किंतु आम सरकार को कोविड गाइडलाइन को पूरा मानिक चलीचु लोक छाड़ा जाऊनी भितर को पूजा करिया पई आउ बाहर जमी नीति नियम अनुसार पूजा करिया कथा चलछि निश्चित पक्षे आउ जने श्रद्धालु अच्छा आज्ञा आपण आपण ये जो पूजा मंडपर आप जन मेम्बर अच्छा किभ भाव में पूजा अर्चना करी भाव में जो श्रृंखला शांति श्रृंखला सह बजे रखी चलते आम दुखर कथा है यहाँ आम 12तम पूजा तेनाली बड़धरण आयोजन होगा कथा कितु प्रकृति नियम व सरकार गाइडलाइन अनुसार आम करूँ बर्तमान गला वर्ष जमी आम कटकणा मध्य पूजा होता ए वर्ष सरकार नीति नियम से सब पूजा ठीक भाव चलती निश्चित पक्षे माधुरी देखंतु सीधा सळक जेमति प्रतिक्रिया जो प्रतिक्रिया रहतला मुताबिक पूजा अर्चना करा जाउछे केवल चलित वर्ष मध्य कटकणा अनुचाय मांकर पूजा अर्चना करा जाउछे कविता आपनको निकटको जेबाकु चाहिबे कविता आपनको तो प्रथमे महाअष्टमी रो अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना केभले पूजा अर्चना चलीछे कोन सब रीति नीति रहिछे मांकर आजि निहत भाव में माधुरी आपको भी महाअष्टमी शुभेच्छा एवं जी कह बर्तमान मु कटक छत्रबजार अच्छी आठ मंडप्रे महाअष्टमी पूजा चली जदि कह उत्साह अच्छी किंतु से जो उत्सव अच्छे उत्साह ना लोक मैंने आज महाअष्टमी को महिला मैंने जो भाई व्रत रखी पूजा करते मंडप आसी था पीठ से पूजा करते कि सब कौन भी व्यवस्था ना एवं घरे घरे पहुँचा जा भोग के मैंने पाइबे केमती शखा पूजा करेंगे सिंह पूजा करेंगे से व्यवस्था कर घरे घरे समस्त बंदोबस्त कर देखा चाहिए संपूर्ण चित्र कि माँ को एवं आलती सर से पूजा अर्चना जो कटक जो परिमाण पूजा कराए जो भाई तारकसी कम हो जो भाई चांदीर कम कराए से सबू तोरण ने ना केवल पूजा पाइबा रीति रीति विधि विधान अनुसार पूजा करने कथा से भाई चली जेहेतु पूजा कमिटी मेम्बर अच्छा सहित आलोचना करवा आज्ञा प्रत वर्ष बेस धूमधाम पालन कराए पूजा कितु गत वर्ष कथा कहतु बा चलित बर्ष टे निराडम्बर भाव में पालन करवर्ष कौन सब व्यवस्था कर कोरोना महामारी चली गत वर्ष से भाव में एसओपी रहा निर्देश थी मान्यवर कोर्ट कर सरकार चलित बर्ष से हिसाब से आम समस्त पूजा कमिटी मैंने पालन करशेषकर आम छत्रपूजा दुर्गा पूजा कमिटी तरफ कोविड नियम अनुसार आम पूजा करूचे आज महाअष्टमी तेणु ये माँ भौणी मान ये बहुत पूजा से मैंने काष्टा करती तेणु से सब दर्शन नहीं तेणु आम बिना भक्त ये पूजा चली तेणु आज महाअष्टमी पूजा षोलश पूजा माँ को बलि हम आज संध्या बेले संधि अच्छी।
निहाते कविता जेतेबेले कटक कटक रे दशहरा कोटना कोठी टिके भिन्न थाए किछि ना किछि स्वतंत्रता थाए कटक रे किंतु चलित वर्ष मध्य फिका पड़ी छि कटक रे पूजा माहौल बा पूजा अर्चना मध्य कोटना कोठी जतियो सेभली पूजा अर्चना करा जाउ छि किंतु कोविड कटकणा अनुसार चलित वर्ष मध्य पूजा अर्चना करा जाउ छि। बहुत बहुत धन्यवाद बारीपदर हमर रिपोर्टर रंजन दास एवं कटक रा हमर रिपोर्टर कविता स्वाई जोड़ी रहिथिले। से परवर्ती खबर को आज आरंभ हेबो पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान एवं दिल्लीर प्रगति मैदान ठारे एही योजनार शुभारंभ करुछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे जोड़ा जा रहा है हर बड़े प्रोजेक्ट को, हर डिपार्टमेंट को सही जानकारी, सटीक जानकारी समय पर मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है। आज यहां कई राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यों के अन्य प्रतिनिधि भी जुड़े हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द आपके राज्य भी पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़कर अपने राज्य की योजनाओं को गति दें। इससे राज्य के लोगों का भी बहुत लाभ होगा। साथियों, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रोसेस और उससे जुड़े अलग अलग स्टेक होल्डर्स को तो एक साथ लाता ही है। ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मोड्स को आपस में जोड़ने में भी मदद करता है। ये होलिस्टिक गवर्नेंस का विस्तार है। अब जैसे गरीबों के घर से जुड़ी योजना में सिर्फ चार दीवारी नहीं बनाई जाती, बल्कि उसमें टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन भी साथ ही आता है। ठीक वैसा ही विजन इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी है। अतीत में हमने देखा है कि उद्योगों के लिए स्पेशल जोन का ऐलान तो किया जाता था, लेकिन वहां तक कनेक्टिविटी या फिर बिजली, पानी, टेलीकॉम पहुंचाने में गंभीरता नहीं दिखाई जाती थी। साथियों, ये भी बहुत सामान्य बात थी कि जहां सबसे ज्यादा माइनिंग का काम होता है वहां रेल कनेक्टिविटी नहीं होती थी। हम सभी ने ये भी देखा है कि कहीं पोर्ट होते थे तो पोर्ट को शहर से कनेक्ट करने के लिए रेल या रोड की सुविधाओं का अभाव होता था। ऐसी ही वजहों से भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारे एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती रही है, हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा रहा है। निश्चित तौर पर ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुत बड़ी रुकावट है। एक स्टडी है कि भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी का करीब करीब 13% है, 13% है। दुनिया के बड़े देशों में ऐसी स्थिति नहीं है। ज्यादा लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से भारत के एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बहुत कम हो जाती है। जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां से पोर्ट तक पहुंचाने का जो खर्च है उस पर ही भारत के एक्सपोर्टर्स को लाखों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस वजह से उनके प्रोडक्ट की कीमत भी बेतहाशा बढ़ जाती है। उनका प्रोडक्ट दूसरे देशों के मुकाबले बहुत महंगा हो जाता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इस वजह से हमारे किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।
इस दिशा में आगे जाने बढ़ने पर हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, उसका पूरक बनेगा। और मैं समझता हूं हर कारण हर स्टेक होल्डर को भी हर ज्यादा और ज्यादा उत्साह से इससे जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। साथियों, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर को एक एनालिटिकल और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी, सरकार का अनावश्यक खर्च बचेगा और उद्यमियों को भी किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। इससे राज्य सरकारों को भी अपनी प्राथमिकताएं तय करने में मदद मिलेगी। जब ऐसा डेटाबेस मैकेनिज्म देश में होगा तो हर राज्य सरकार निवेशकों के लिए टाइम बाउंड कमिटमेंट दे पाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत की बढ़ती साख को नई बुलंदी मिलेगी, नया आयाम मिलेगा। इससे देशवासियों को कम कीमत में बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर मिलेंगे। साथियों, देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सभी विभाग एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे की कलेक्टिव पावर का इस्तेमाल करें। बीते वर्षों में इसी अप्रोच ने भारत को अभूतपूर्व गति भी दी है। पिछले 70 वर्षों की तुलना में आज भारत पहले से कहीं ज्यादा स्पीड और स्केल पर काम कर रहा है। साथियों, भारत में पहली इंटरस्टेट नेचुरल गैस पाइपलाइन 1987 में कमीशन हुई थी। इसके बाद साल 2014 तक यानी 27 साल में देश में 15,000 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन बनी। आज देश भर में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा नई गैस पाइपलाइन पर काम चल रहा है। ये काम अगले 5-6 वर्षों में पूरे होने का लक्ष्य है। यानी जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम। प्रधानमंत्री अभिभाषण आपने शुणुले आस परवर्त खबर को मयूरभंज जिलार अधिष्ठात्री देवी होती मां किचकेश्वरी मां पीठ से चली महाअष्टमी पूजा परंपरा अनुयायी आज सूर्य पूजा सहित चंडी पूजा अनुषित होचकेश्वरी पीठ से लगे मोग सुरा भोग षोडश पूजा सहित नैवेद्य पूजा अर्चना जारी रही। वर्तमान कोविड कटक पालित होगा पूजा तेज समस्त नीतिकांति पालन होता बेले एठार केवल श्रद्धालु मान दर्शन अनुमति मिली। एठार कौन भोग राग वर्तमान लगुनि श्रद्धालु मैंने केवल मां को दर्शन कर आशीर्वाद ने देखा। अच्छी मां अष्टमी पूजा समस्त पूजा मुंडप चली मां पूजा अर्चना कोरोना महामारी एथर भी भक्त और मां मझे प्रतबंधक साजिश कौन से मंडप भक्त मां जगजननी दर्शन करें कि भक्त और मां को जोड़ापी मंडपगुड़िक स्वतंत्र व्यवस्था करपात इलाका मलकानगि जिला खैरपुट ब्लक सदर महकुमा मंडप स्वतंत्र व्यवस्था कर सोशल मीडिया माध्यम रे पूजा अर्चनार सीधा प्रसारण कर देखा मिली। घरे रही भक्त मैंने मां दर्शन पाते कोरोना महामारी सबुठ निराडम्बर भाव मां मूर्ति स्थापन कर दुर्गा पूजा बंद थी। ए वर्ष सरकार
ତାଙ୍କ ଆଡ଼ରୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ସରକାର ଯେମିତି ଚାରି ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ କି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କି ଆମର ତହସିଲ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିଲୁ କି ମାନେ କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କେ ସବୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କି ମଣ୍ଡପରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମାନେ ଦର୍ଶନ ଭୋଗ ମାନେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ତ ସେଇ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆମମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରି ପୂଜାଟା କରୁଛୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଚାରି ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶକ ମହାପୁର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏ ଖଇରପୁଟ ମୋର ପୋଲିସ ଜୁରିସଡିକ୍ସନ ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡିଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଖଇରପୁଟ ଏ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏବଂ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିପୀଠ ତଥା ବଡ଼ମ୍ବାଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଭଟ୍ଟାରିକା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କରୋନା କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ନବମୀ ପୂଜା। ଆଜି ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୂଳାଷ୍ଟମୀଠାରୁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ଯଥାବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଆଜି ଭୋର ତିନିଟାରୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଉତ୍ତର ନୁହେଁ, କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ମହାନ୍ତଙ୍କ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କେମିତି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ 5T ଅଧୀନରେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କେମିତି କରାଯାଉଛି। କରଞ୍ଜିଆର ବାଲୁକା ପୋଲ କଥା ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟିକା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। 11 ବର୍ଷ ଧରି ପୋଲ କାମ ସରିନଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କଠୁ ଉତ୍ତର ମଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବଦଳରେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି 11 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ ପୋଲ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଛି, ଦୟାକରି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରେ କି ଆପଣ ବିଧାୟକ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି 2.5 ବର୍ଷର ଉପରେ ହେଲାନି, ଆପଣ ଦୟାକରି ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କେମିତି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ମାମଲାର ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ଟାଉନ ଥାନାରେ କଲେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେଲେ ଲିଟୁ ଓରଫ ଦିନେଶ ମହାପାତ୍ର ଓ ମୁନା ଓରଫ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମନୀଷଙ୍କ ସହ ହୋଟେଲରେ ଥିଲେ। ସନ୍ଦେହରେ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଲିଟୁ ଏବଂ ମୁନାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣି ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଲିଟୁ ଓ ମୁନା ଘଟଣା ଦିନ ଫେରାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ହିମାଂଶୁ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ମନୀଷ ମୃତ୍ୟୁ ମିଷ୍ଟ୍ରିର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ମଙ୍ଗଳପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜମାଲପୁର ଛକ ନିକଟରେ ମୃତ ଦେହଟି ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ମୃତଦେହ ପାଖରେ ଏକ କଟରୀ ଏବଂ ଅଖା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବିନ୍ଧାଣିମା ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଗାଁର ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବିନ୍ଧାଣିମା ଗାଁର ଗୋପାଳ ସାହୁ। ଗୋପାଳ ନିଜ କାମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ହାଇୱା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସି ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗୋପାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ତିଗିରିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଏବଂ ହାଇୱାକୁ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମନୀଷ ଅନୁରାଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିବା।
ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ପିଲାକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଟିମ୍ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବ ଏଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ପିଏନପଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆମଲାପଡ଼ାରୁ ପିଏନପଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର ବୋଲି ଆଉ ଆମର ଆମଲାପଡ଼ାରୁ ଦିନେଶ ମହାପାତ୍ର ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଟାଙ୍କିରେ ବେଦଡ଼କ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍ ସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଉଦୟଗିରି ମୌଚାରେ ଚାଲିଛି ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ ଖଣି ମାଫିଆ ଗାଁର ଗୋଚର ଅନାବାଦୀ ଜମିକୁ ପଥର ଖଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଉଦୟଗିରି ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଖଣିରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ତିନୋଟି ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଜବତ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ା ବୀର ଧନଞ୍ଜନପୁର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଛି ସେ ଗ୍ରାମର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଦାସ ଓରଫ ବାବୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଛୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ ଧରି ଆସି ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଭାପତିଙ୍କୁ ବୁଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ପୋଲିସର ଅପରେସନ୍ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଗତକାଲି ପରେ ଆଜି ପୁରୀ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ କବ୍ଜାରେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରୀ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଧଳାଚହର ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁରୀ ବଳିଆପାଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 250 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ 11ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ 5,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା 2ଟି ATM କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ସହ ଗୋଟିଏ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 250 ଗ୍ରାମ ଧଳାଚହର ଜବତ ହୋଇଛି ସମୟ ସରିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର